अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 15.8। हम बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हमने पढ़ा पहले कि यदि हम एक साइनोसॉइडल वेव लेते हैं तो उसमें तीन तरीके के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो दो तो आपके सिलेबस में है नहीं, हम अब बात करेंगे सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि इसमें जब आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैरियर वेव है और उसके ऊपर आप एक सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जब आप इसको इसके ऊपर बिठाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो जाएगा। ये आपको थोड़ा थोड़ा सा, आपको डायग्राम याद है ना, वो जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो मॉडिफाई हो जाएगा, एम्पलीट्यूड विल मॉडिफाई। सो ऐसा जो मॉड्यूलेशन होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट। तो अब हम चर्चा करना शुरू करते हैं। हमने इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमने सिंपल एक मैथमेटिक्स समझना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज से और ग्राफिकल तरीके से हमने समझना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होगी, ओके। जो थ्योरेटिकली तो हमने समझ ही लिया है, अब देखें शुरू करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन ऑफ द कैरियर वेव। अब बेसिकली आप इसमें ध्यान दें कि इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो आपके पास होती है कैरियर वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें जब आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर वेव पर रखते हैं ना, तो उसमें कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होता है। ये बड़ा ध्यान से पकड़ने वाली बात है कि एम्पलीट्यूड किसका मॉडिफाई होगा, कैरियर वेव का बदलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव वेरी। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बदलेगा इन अकॉर्डेंस विद द इन्फॉर्मेशन सिग्नल, जो आप बेस बैंड सिग्नल उसके ऊपर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बदलेगा। सो वी हैव एक्सप्लेन दैट मॉडुलेशन प्रोसेस यूजिंग द साइनोसॉइडल वेव। आपके पास साइन वेव एक होगी और उसके ऊपर आप मॉडुलेटिंग सिग्नल रख देंगे। शुरू में हम चलते हैं, हम इसका बड़ा क्लीन मैथमेटिक्स करेंगे। हमारे पास एक जो वेव है, जो कैरियर वेव होती है ना, उसका जो मैथमेटिक्स है वो ये है, मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी है सी द फंक्शन ऑफ टी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, ये रहा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड और वो साइन वेव है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है और एक किसी भी टाइम उसकी पोजिशन है, और ये आपका मॉडुलेटिंग सिग्नल है जिसको आपने उसके ऊपर बिठाना है, तो उसका एम्पलीट्यूड अपना इतना है और वो साइन वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और टाइम पीरियड इतना है। देखिए एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें हमने क्वेश्चन को कम्प्लेक्स ना बनाने के लिए हमने फेज़ को जीरो मान रखा है, ओके। अब हम आपको ब्लैक बोर्ड की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अब मैथमेटिक्स करना है तो हमें ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ये रहा हमारा पेन, सबसे पहले हम वाइट पेन लेंगे और हम आपका जो बोर्ड है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। लो जी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने लिया कि हमारी जो कैरियर वेव है ना, जो कैरियर वेव है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है जी, ये सी द फंक्शन ऑफ टी, ये हुआ कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, ये वो साइन वेव है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये किसी भी टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसकी हम बात करेंगे। तो ये रहा इक्वेशन नंबर वन। इसके ऊपर जो आपने वेव बिठानी है उसको हम बोलेंगे मॉडुलेटिंग सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल या मॉडुलेटिंग सिग्नल। तो ये रहा उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड, वो सिग्नल साइन वेव की फॉर्म का है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसका कोई टाइम स्पेन है। ये दो चीज़ें हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इस सिग्नल को इस वेव के ऊपर रख रहे हैं, और यदि वो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है तो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में उसका ये वाला पार्ट मॉडिफाई हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम मैथमेटिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा, अब आपके पास ये मॉडुलेटेड कैरियर वेव होगी, इसलिए हम इसका नाम बदल दिया हमने, और उसका वेव का वेव जो है वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। आप देखिए ए सी में आप इस पार्ट को जोड़ दीजिए, ये इसके एम्पलीट्यूड को बदल देगी, ये पार्ट यहाँ आ गया, ओके। बाकी आप इस पार्ट को वैसे ही रहने दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेते हैं, ओके। यहाँ से आप क्या करिए, ये जो मॉडुलेटेड एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड कैरियर वेव है, इसमें से एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर को आप कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ कॉमन जब चीज़ निकालते हैं ना, तो उसे अंदर वाली चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं, तो ए सी को ए सी से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, और यहाँ एम्पलीट्यूड
मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप एसी से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम कॉमन निकाल रहे हैं, और ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी, और ये आपके पास बचेगा साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ऐसा करते हैं कि ये जो पार्ट है ना, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, कलर भी इसलिए मैंने बदल दिया। इसको हम डिफाइन करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हुआ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये ए एम अपॉन ए सी हो जाएगा, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके सिग्नल में डिस्टॉर्शन ना हो जब आप रिसीव करें, तो इसका वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये 1 से कम आना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, आगे चलते हैं, हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा मॉड्यूलेटर जो कैरियर वेव है ना, वो बन जाएगी, ये आएगा ए सी, ये आ गया 1 प्लस ई आ गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी, और इस पार्ट में आएगा साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी। अब आप इसको अंदर ले जाइए, आपके पास आएगा सी एम फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस म्यू टाइम्स ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी एंड साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली ऑपरेट करने के लिए हम एक ऑपरेशन करते हैं, हम इस पार्ट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इस पार्ट में एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी। हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो 2 साइन ए और साइन बी जो होता है ना, वो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसे होता है। आप इसको उठाइए और इस वाले पार्ट को इस फॉर्म में लिख दीजिए, आपके पास क्या होगा, आपकी इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, सी एम द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी का वाला पार्ट वैसा ही रहेगा, प्लस ये आपके पास आ जाएगा म्यू टाइम ए सी बाई टू, इस पार्ट को आप लिखिए, ये आ जाएगा कॉस ऑफ, अब ए को आप मान लीजिए ये आपके पास है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम सॉरी इंटू टी भी आएगा, और ये आपका इंटू टी, क्योंकि टी तो कॉमन है ना इसमें, खोल दीजिए इस सारे को। अब आपके पास आ जाएगा सी एम द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी इन टू टी प्लस म्यू टाइम ए सी बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इन टू टी माइनस म्यू टाइम ए सी बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। अब हम मज़ेदार बात इसमें यह देखें कि आपके जो शुरू में आपने जो कैरियर वेव पर जब सिग्नल मॉड्यूलेट किया था, तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा सी। ओके, आपने देखा यू हैव द फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। अब इसमें दो फ्रीक्वेंसीज और जनरेट हो गई हैं, देखिए एक फ्रीक्वेंसी है अब आपके पास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये आपके पास आ जाएगी लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे लोअर साइड फ्रीक्वेंसी। बड़े मज़ेदार आप चीज़ बड़े ध्यान से सीखेंगे, और एक होगी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो कुदरती क्या होना चाहिए, ये अपर साइड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दिस इज अपर साइड फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे अपर साइड फ्रीक्वेंसी। अब हम ऐसा करते हैं ना, घूम के वापस अपनी बुक की ओर चल पड़ते हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ें बड़ी सफाई से समझ आ जाएंगी। यहाँ पहुँच गए हम, देखिए अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई कि जब सिग्नल आपका मॉडिफाई हो गया, तो उसमें बचा ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी और म्यू टाइम ए सी बाई टू, यहाँ देख लीजिए आप म्यू टाइम ए सी बाई टू साइन कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड माइनस ऑफ म्यू टाइम ए सी बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, किताब की ओर चलते हैं, ये आपके पास आया कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा, ये आ गया और ये वाला पार्ट, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाले जो दो पार्ट जनरेट हुए ना इसमें,
तो एक को हम बोलेंगे लोअर साइड, दूसरे को हम बोलेंगे अपर साइड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब मॉड्यूलेटर जो आपका सिग्नल हो गया, उसमें ये आपके पास शुरू में थी कैरियर फ्रीक्वेंसी, आप देखो इसे दो हिस्सों में टूट गई, ये हो गया इसका लोअर साइड और ये होगी इसमें अपर साइड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो आपकी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड था वो था एम्पलीट्यूड ए सी, ठीक है। लोअर साइड बैंड में आप देखिए एम्पलीट्यूड जो है इट हैज़ बीन डिक्रीज टू म्यू टाइम ए सी बाई टू, और अपर साइड का भी जो एम्पलीट्यूड है इट इज़ म्यू टाइम ए सी बाई टू, राइट। सो हमने पढ़ा है कि यदि डिस्टॉर्शन जो है आपके सिग्नल में कम होना चाहिए तो आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, बात तो ये है कि हमने इसे सीखा क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीखा हमने ये है कि जब आपने एक बैंड बनाया, अब इसमें एक बैंड विड्थ बन जाएगी, आप ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम में से ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम घटा दीजिए, ये देखिए ना ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम में से आप ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम घटा दीजिए, ये आएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, यहाँ एम है, अब माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये कैंसिल हो जाएगा तो टू टाइम ओमेगा एम, ये बैंड विड्थ हो जाएगी। मज़ेदार बात, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सिग्नल है ना वो मिक्स नहीं होने चाहिए। अब ये कब संभव होगा, जब तक आपके जो साइड बैंड हैं जब तक ये इंटरफेयर नहीं करेंगे आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने बैंड में चला जाएगा। देखिए एज लॉन्ग एज द ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसीज, जैसे कैरियर वेव्स की है ना, ये देखिए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस एम आर सफिशेंटली स्पेस्ड आउट, उनके पास प्रॉपर स्पेस है, सो दैट साइड बैंड डू नॉट ओवरलैप। ये जो साइड बैंड है ना, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड, जब ये दूसरे बैंड के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे सो डिफरेंट स्टेशंस कैन ऑपरेट विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर, तो आपको एक दूसरे की कॉल नहीं सुनेंगी, एक चैनल पर वही प्रोग्राम चलेगा वो दूसरा मिक्स नहीं होगा। ये बड़ी मज़ेदार बात है, यही हम आपको यहाँ से सिखाना चाहते थे, ओके। सवाल यह है कि एनसीईआरटी की जो किताब है उसकी सुंदरता यहाँ है कि जो आपको अभी तक मैथमेटिक्स सिखाया उसको हम अप्लाई करना जरूर सिखाएंगे। तो हमारा जो सवाल बनेगा यहाँ से एक कि हमने अभी पढ़ा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है और साइड बैंड अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड उसको हम निकालते कैसे, कुछ एक प्रॉब्लम करके देखें तो मज़ेदार बन जाएगी बात। देखिए एक मैसेज सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 किलो हर्ट्ज़ है, ये मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल का मतलब इसकी हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं हम ओमेगा एम होगी, ये 10 किलो हर्ट्ज़ है, ओके। अच्छा दूसरा है हमारे पास और वोल्टेज, जो इसकी वोल्टेज है इसको हम लिख लेते हैं ए एम, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज में भी हो सकता है करंट में भी हो सकता है, वो हमने वेव जो हमारी जाएगी तो ये 10 वोल्ट है। इस यूज टू मॉड्यूलेट द कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास ओमेगा सी है, नोन वैल्यूज जो है अपने पहले लिख लेनी है, ये 1 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1000 किलोहर्ट्ज, मेगा का मतलब होता है 10^6, तो 3 यहाँ से आ जाएंगे, 3 किलो से आ जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 1000 किलोहर्ट्ज हो गया। और इसकी जो पीक वोल्टेज है, जो कैरियर की जो पीक वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, ठीक है। आपसे पूछा है कि आप ऐसा करिए जी कि हमने आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना सिखाया उसको निकालिए और साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को निकालिए, तो हमने पढ़ा तो है ही है कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ना वो है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बट एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटरी सिग्नल करते हैं 10, यहाँ से देख लीजिए, और दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल करते हैं 20, यहाँ से देख लीजिए, सो 10/20 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1/2 मीन्स 0.5 हो जाएगा। और वैसे भी हमें चेक भी हो गया कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो लेस देन 1 भी होना चाहिए, ये तो डिस्टॉर्शन आएगा। बाकी दूसरी बात है जी कि यदि हमने निकालना है लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, तो कुछ भी नहीं है उसमें करना मुश्किल नहीं है, वो होता है जो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये लोअर बैंड हो जाएगा, ओमेगा सी और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम जो अपर बैंड हो जाएगा। ओमेगा सी है हमारे पास 1000 किलोहर्ट्ज, ठीक है, और ओमेगा एम है हमारे पास 10 किलोहर्ट्ज, ओके। अब ये आ जाएगा, आप 1000 में से आप 10 घटा लीजिए तो ये 990 किलोहर्ट्ज हो जाएंगे जी, ये लोअर साइड बैंड हो जाएगा। अपर साइड बैंड में क्या होगा, ओमेगा सी कितनी है आपके पास, 1000 किलोहर्ट्ज, ठीक है, और ओमेगा एम कितनी है जिसको बिठाया आपने ऊपर, 10 किलोहर्ट्ज, इन दोनों को जोड़ दीजिए जी, ये हो जाएगा 1010 किलोहर्ट्ज। तो सिंपल सी बात है, तो मुझे लगता है कि शायद आपने इस न्यूमेरिकल को भी बहुत इंजॉय किया होगा। तो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो, इस उम्मीद के साथ
कि जो यहाँ बताया गया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी आपसे एक विनम्र निवेदन ये है कि आपको यदि लगता है कि इसे बेटर किया जा सकता है तो आप अपने कमेंट खुले मन से लिख सकते हैं। थैंक यू।